ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सहभागी अवलोकन, देखिए दो पता बता दिया आपको, व्यवस्थित नियंत्रित, ठीक है, उससे पहले सरल और अनियंत्रित। तीसरा अवलोकन का प्रकार है क्या? सहभागी अवलोकन। कौन सा अवलोकन? सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में क्या होगा, आप जाएंगे उस बच्चे के साथ और क्या करेंगे, उसी के साथ खेलना कूदना चालू। सहभागी बने, उसका पार्टनर बने ना, तो उसके सहभागी बन गए। अब उसके मैं अवलोकन करता हूँ, मैं उस बच्चे पर अवलोकन कर रहा हूँ, अब उस बच्चे के एक्टिविटीज़ को देखना और उसके बाद निर्णय लेना, ये क्या कहलाएगा? सहभागी अवलोकन। ठीक है, एक ही चीज क्वेश्चन पूछेगा सहभागी अवलोकन में। सहला छोटे समूह या सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आया? सहभागी अवलोकन में हमेशा छोटा समूह या छोटा अध्ययन या सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अवलोकनकर्ता उस समूह में जाकर के एक सदस्य के रूप में बस जाता है, घुल मिल जाता है और फिर उनके व्यवहारों का अध्ययन करता है, इसे ही सहभागी अवलोकन कहते हैं। बस एक एकदम इम्पॉर्टेंट याद रखना है, इसके द्वारा छोटा समूह या सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ओके, दोष क्या है इस अवलोकन का? इस अवलोकन का दोष यह है, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ जा करके घुल मिल करके रहेगा तो उसके साथ वो मेंटली भी अटैच हो जाएगा। घर में कुकुर पालते हो तो प्रेम हो जाता है धीरे धीरे, काम हो जाता है टॉमी टॉमी, तो कुत्ता पाले तो प्रेम, तो वैसे ही आप, अरे भाई मैं तो जानवर की बात कर रहा हूँ, फिर तो इंसान है, धीरे धीरे आप उन बच्चों के साथ में कैसे जुड़ जाएंगे मानसिक रूप से, तो आप उनके दुख को अपना दुख समझने लगोगे, उनकी खुशियाँ आपकी खुशियाँ होने लग जाएगी। तो इसका यही दोष है, क्या हो जाता है, आप जो अवलोकन करता है वो अपना हो जाता है उनके प्रति क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाता है, उनके प्रति क्या हो जाता है, बायस्ड हो जाता है। देखिए इस विधि का दोष यह है कि अवलोकनकर्ता समूह से प्रभावित हो जाता है, अच्छा लग गया, उनके दुख दर्दों को अपना दुख दर्द मानने लग जाता है, इस अवस्था में उसकी मनोवृत्ति अवलोकन को प्रभावित करती है। ठीक है, इस समय जो अवलोकन करता है उसकी मेंटल, कहीं कहीं पर उसको नहीं लिखना रहेगा लेकिन वो बच्चे के लिए अच्छा लगे ना, हाँ लिख देगा। अरे होता है, कोई लड़का फेल होते रहता है, ठीक है, कोई लड़का एक दो नंबर से फेल, लेकिन लड़का का अच्छा रहता है तो चलना तीन नंबर जा पास, होता है, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो गए, आपकी मनोवृत्ति या आप उसके लिए बायस्ड हो गए हो। अवलोकनकर्ता कुशल तथा प्रशिक्षित होना चाहिए, इसके लिए अवलोकनकर्ता एकदम क्या होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए। इस विधि की एक सीमा और यह है कि इसके द्वारा, ध्यान देना यही बात को, छोटे समूह का ही अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अध्ययन से छोटे समूह का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक या सॉरी सहभागी अवलोकन। ठीक है, वही है, उसके साथ घुलना मिलना, उसके साथ खेलना कूदना और उसकी एक्टिविटीज को देखना। ठीक है, सहभागी बनना क्या कहलाएगा? अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वे और साक्षात्कार। सर्वे और इंटरव्यू दोनों एक ही चीज है, बस सर्वे करने वाला क्या होगा, घूम घूम के करेगा। ठीक है, इंटरव्यू वाले के पास तेरे जाना है, दोनों का मतलब वही है। ठीक, आपके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही कहलाएगा इंटरव्यू भी कहलाएगा और यही कहलाएगा सर्वे भी, तो दोनों का एक ही मतलब है, याद रखना। ठीक है, जानकारी एकत्र करने का सबसे सरल और सर्वोत्तम तरीका क्या है? सर्वे और साक्षात्कार। ओके, लोगों से सीधी बातचीत कर जानकारी लेना तथा सीधा साक्षात्कार करने का तरीका है यही। देखो सर्वे में भी इसी ये सेम मिलता जुलता प्रक्रिया सर्वे कहलाता है। लोगों से सीधी बातचीत करना, उनकी जानकारी लेना, एक सीधा क्या कहलाएगा, साक्षात्कार करने का तरीका है, और सेम चीज क्या कहलाता है, सर्वे। लोगों से सीधी बातचीत करना, उनका ओपिनियन लेना, यही चीज क्या कहलाता है, तो एक ही लगभग एक ही चीज होता है, सर्वे और साक्षात्कार। ठीक है, देखो ध्यान से, अधिक लोगों से जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। ठीक, प्रश्न छोड़ ध्यान से क्या है ये सब, देखो निश्चित प्रकार के
मानकीकृत प्रश्न पहले से वो निश्चित होंगे। प्रश्न कैसे होंगे? पहले से निश्चित होंगे और स्टैंडर्ड होगा उसमें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। लोगों की किसी भी विषय के प्रति मान्यता और अभिवृत्ति जानने या जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी होता है। उस पर्टिकुलर विषय के बारे में लोगों की क्या मान्यता है, लोग उसके बारे में कैसी अभिव्यक्ति रखते हैं, इसको जानना सर्वे और साक्षात्कार कहलाता है। एक अच्छे सर्वे में प्रश्न स्पष्ट होंगे, एकदम क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसा पूछ रहा है, बुलाया लड़का बैठा है, जाथच? वो लड़का पूछ रहा कहाँ जाथच, घर जाथच, घूमेल जाथच, पूछो ही समझ में ही नहीं आ रहा, जाथच उसको पूछ, खेलने जाता है, बताएगा यस आई गो टू प्ले। अच्छे सर्वे में प्रश्न कैसे होने चाहिए? स्पष्ट। और याद रखना है, किसी का कोई कोई किसी के लिए बायस ना हो, पक्षपात रहित हो। प्रश्न कैसे हो? पक्षपात रहित हो। यह भी जरूरी है कि सूचनादाता बिना उलझे प्रश्नों का जवाब दे सके। प्रश्न ऐसा हो कि बिना रुके रटे रटपट बोले, हमारी स्कूल में गुरुजी मन नहीं आए, बात खत्म, जा सीधा बोले, नहीं पढ़ाता नहीं पढ़ाता, हमारा सर आता भैया बैठे रहता है, ठीक है, बस दिन भर कुर्सी में बैठे बैठे रहेगा, पढ़ाता लिखाता कुछ नहीं, सीधा। बच्चों से समझ और अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछना, प्रश्न ऐसा पूछना जो बच्चे के समझ में आया, ठीक है। वहां गया है, पूछ रहा है अमेरिका का फलाना कौन है, वो कहाँ जानेगा बेचारा, तो उससे ऐसे प्रश्न पूछा जाए जिसका उसको समझ है, ठीक। पूछ, बिल्डिंग में पानी गिरता है क्या बरसात में, बताएगा गिरता है नहीं गिरता है, मिड डे मील में जो जैसा मेनू लिखा है वैसा मिलता है क्या, फिर लड़का बताएगा मिलता है नहीं मिलता है। तो उससे ऐसे प्रश्न पूछे समझ और अनुप्रयोग, जिसको बच्चा समझ तो जाए और आगे जाके उसका अनुप्रयोग भी कर सके, ऐसे प्रश्न पूछे जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आएगा, आपको देखना कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछना चाहिए, फलाना प्रश्न पूछना, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, उससे समझ और अनुप्रयोग। बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उनसे प्रश्न पूछा जाए, पहले से कुछ उसको ज्ञान हो। दूसरी क्लास के बच्चे को, जब वो बच्चा पहली क्लास के बारे में ज्ञान है ना, तो उससे ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए जिसको पहले से उसको क्या हो, ज्ञान हो। इसे परिचय कौशल भी कहते हैं। सर्वे और साक्षात्कार दोनों लगभग एक ही चीज होते हैं। दोनों से आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति से पर्सनल बैठाकर उससे बातचीत कर सकते हैं, उसका उस विषय के बारे में नॉलेज कितना नॉलेज है, या उस विषय ये पर्टिकुलर डिसाइड होगा कौन सा सब्जेक्ट है ना। प्रश्न और देखो प्रश्न कैसे होने चाहिए। कुछ सर्वे और साक्षात्कार में प्रश्न अप्रतिबंधित और खुले होते हैं। प्रश्न का और दूसरा प्रकार, पहला प्रकार बता दिया गया, पहला तो प्रश्न मानकीकृत हो, समझ परख हो, बात समझ में आया ना, बायस्ड ना हो, बच्चे के समझ में आए, ये पहले प्रकार के प्रश्न। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, प्रश्न अप्रतिबंधित और खुले हो। मैं ये पढ़ाता हूं ना तो तेरे पढ़ना नहीं है, जहां पर मैं टिक कर रहा हूं उतनी चीजों को समझना है ना भैया। प्रश्न कैसे हो, अप्रतिबंधित और खुले हो, मतलब मैं पूछा आप देखो, जैसे खुला प्रश्न एक ठोक, कोई बच्चा आ रहा है चौथी पांचवी क्लास का बच्चा है, उसको बुलाया मैं, बेटा सुनना, अब कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं, तेरे स्कूल के बारे में तेरी क्या राय है। अब वो कोई रटा चीज नहीं बताएगा, अब वो अपनी राय बताएगा, बोलेगा मेरा स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन नियम कुछ खराब है, बार बार हम लोग को शनिवार को या फलाना दिन में एक एक दिन या बीच में दिन ऐसा ड्रेस पहन के आने देना चाहिए, जो मतलब घर में बरसात के दिन में कपड़ा धुल जाए, 3 दिन में 4 दिन वही कपड़ा पहन के आना पड़ता है एक हफ्ता तक, अपना ओपिनियन देगा ये चीज़ खराब है, जबरदस्ती हम लोग से ये वाला दिन पैसा लिया जाता है ये चीज़ खराब है, अपना खुल कर बताएगा वो चीज़ों को। तो ऐसे प्रश्नों को क्या बोला जाता है, अप्रतिबंधित और खुले प्रश्न। स्कूल कैसा है भाई, ये चूहा थे क्या बताएं, स्कूल कैसा है, बात समझ में आया। तो इससे क्या होता है, इस तरह के प्रश्नों में उत्तरदाता या सूचना देने वाला खुलकर जवाब देता है, ठीक
ठीक है, मौका मिलता है और हम विषय के बारे में कुछ और अलग से जानकारी हम चाहते थे जानना और कुछ और अलग जानकारी प्राप्त कर लिए, बढ़िया ठीक। उपयोगी सर्वे और साक्षात्कार का तरीका उदाहरणार्थ किसके लिए उपयोगी है, तो याद रखना जितने भी अभिभावक होते हैं ये उपयोगी किनके लिए है, इनसे इनसे एक एक रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट अभिभावकों की अभिवृत्ति, वो बालक पिताजी अब जो माता पिता थे वो अब बच्चे के लिए क्या सोचते हैं, और इन बच्चों में भी क्या होगा, किशोरों में ड्रग्स के प्रति दृष्टिकोण, अरे भैया अगर ड्रग्स का मतलब केवल इसमें ओरिजिनल ड्रग्स नहीं, कोई भी नशा वाले चीज़ को ड्रग्स बोला जा रहा है, अगर नशे से तेरे इसको गुटखा का निशान देखा ये कौन खाता है, तो वो भी ड्रग्स की संगति में आएगा, तो इनसे ड्रग्स के प्रति दृष्टिकोण आदि अध्ययन में उपयोगी होता है। माता पिता का सोच को आप बदल सकते हो या माता पिता की सोच को आप बच्चे के लिए अच्छा कर सकते हैं। दूसरा याद रखना है ड्रग्स के प्रति बच्चा क्या समझता है, मदद, ये दोनों विधियां सतत व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने में मदद करती है, ये दोनों के दोनों विधियां कंटिन्यू व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन द्वारा या इंटरनेट के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने, अरे भाई ऑनलाइन भी आजकल ये चीज पूछ सकते हो आप किसी से, इधर मैं बैठा हूं उधर वो, नाम फलाना एड्रेस ये कहाँ ऐसा क्या है तेरे घर में, एक ठोक स्कूटी है दो साइकिल है, ये होता है ना ऐसे ही आजकल जानकारी लिया जाता है। यस विशेष कई बार इसे प्रश्नावली द्वारा जानकारी प्राप्त करना भी कहते हैं, प्रश्न के द्वारा जानकारी प्राप्त करना, प्रश्नावली से जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी, इस माध्यम से व्यक्ति को गहराई से जानने के लिए अपन उस क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी, उस आदमी को और डीपली जानना चाहता हूं मैं पूरा एक एक चीज, तब वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी। कार्यकर्ता ज्यादातर इस प्रक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य के कार्यकर्ता उपयोग में लाते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखना उपयोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट जीवन प्रणाली को दूसरे व्यक्ति की जीवन प्रणाली के साथ जांच नहीं पाते, यह विधि व्यवहारिक कारणों की वजह से उपयोग में लाई जाती है, कुछ कारण होगा, इसको हमेशा हर किसी के लिए नहीं लाओगे, किसी व्यक्ति को अब देखो मनोवैज्ञानिक लोग इसका क्यों करते हैं, साइकाट्रिस्ट होते हैं, मर्डर कर लिया है पता नहीं चल रहा है, और जान और उसके बारे में जान और जान और जान, यही क्या कहलाता है, बस पर्सनल जानकारी जितना जाना। अध्ययन करता विख्यात व्यक्ति अध्ययन करता एरिक रिक्सन का नाम याद रखना है, इसने गांधी जी के जीवन को गहराई से समझा, युवावस्था में आध्यात्मिक पहचान का अध्ययन किया, तो गांधी जी के जीवन पर व्यक्तिगत अध्ययन करने वाले का नाम क्या है, एरिक रिक्सन, ठीक है। इसकी पहचान से उसने विकास संस्कृति इतिहास परिवार और अन्य प्रभावित कारकों के लिए अध्ययन किया, एरिक रिक्सन का याद रखना है, इन्होंने महात्मा गांधी के अध्ययन बस ओके चलिए आ जाइए। अब ये जो व्यक्तिगत और जो आपने अवलोकन जो चैप्टर पढ़ा इससे संबंधित क्या बात करते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इससे संबंधित क्या ऑब्जेक्टिव्स, पहला क्वेश्चन पढ़ते जाना है और आपको अपने दिमाग से अभी इसके प्रश्नों को कोई औचित्य नहीं है, एक दो क्वेश्चन का बस इसमें क्या करोगे, सीधा सीधा जो पढ़े उससे मिलेगा, बाकी आप इसके लिए क्या खुद क्या सोचते हो, आप इसके लिए क्या दिमाग लगाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, सर्वे करेगा तो लड़का क्या बोलेगा, कुछ बोल पाएगा क्या, नहीं बोल पाएगा। व्यक्तिगत अध्ययन, अभी लड़का पैदा ही नहीं हुआ है क्या ठीक से जानेगा, उसका क्या अध्ययन कर लेगा। मनोविश्लेषण या अवलोकन, अवलोकन ऑब्जर्वेशन देखना,
आपको अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्नों के आंसर तक पहुंचना है। ये प्रश्न जो बना के आएगा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि वो जो सोचेगा वही आंसर रहेगा और वही आंसर आएगा, सीधी और साफ बात है। तो ऐसे 3 प्रश्न या 2 प्रश्न आपको फ्री में मिलेंगे, जिसको छोड़कर नहीं आना, मैं बच गया बोल के, आप बचे नहीं हो, आप बर्बाद हो गए हो, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखो, कोई एकेडमिक है, उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश है, हर जगह इस ये एकेडमी बना दो, वो एकेडमी बना दो, ये एकेडमी बना दो, ये इस मांग के दौर में अगर विद्यालय में खेल कूद का समावेश हो जाए, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का समावेश हो जाए, तो क्या होगा? समय की बर्बादी होगी, एकेडमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, एकेडमिक कार्य बहुत सारा समय ले लेगा। तीसरा, फुर्सत अथवा विश्राम के लिए समय देना। और चौथा, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो सीधा से बात है, एकदम बढ़िया वाला आंसर कौन सा लगता है? व्यक्तित्व विशेष के समन्वित कंप्लीट विकास के लिए ये चीज आवश्यक है। अब ऐसे प्रश्न मूल समझ में नहीं छोड़ के आ गया हूं, ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी। अब ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा क्या आएगा? सीधी सी बात है, पहले ही बता चुका हूं, क्या आएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी, ठीक है। ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे ऑल ऑफ द एबव आंसर आएगा। व्यूह रचना समस्या केंद्रित है, प्रयोजना भी, अन्वेषण भी और खोज भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका से संबंधित सही है? शिक्षक की भूमिका टीचर के लिए सही है। पहला, शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए। समालोचनात्मक मतलब, पहले तो मतलब समझिए, सम माने बराबर, सबका बराबर आलोचना करना चाहिए, तेरा भी, उसका भी, उसका भी, तो जो लोल है उसी का करेगा ना आदमी, हाँ, तो ये बात गलत है। शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, एक बात ये ठीक है, और शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये भी एकदम लोल है। सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा इसका? सी। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही छांटना पड़ेगा आपको, ठीक है, सीधी सी बात है। और आपको मैं टेंशन नहीं है, आपके लिए मैं ये भी रखा हूँ, ये तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर है क्या? चौथे का आंसर क्या गया? सी। चौथे का आंसर क्या आएगा? सी। ये आ गया, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा भाव में भाव रखना चाहिए? मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। चलिए, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करता है, कोई मोबाइल बजा रहा है, कोई गाना सुन दे रहा है, कोई गुटखा खा के आ जा रहा है, मतलब एक बच्चा क्या कर रहा है? उस शिक्षक को रोज परेशान करता है, ठीक है, परेशान करने के अपरेशान जी प्रश्न पूछता है, उठपुटांग पूछता है, पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर, वो पूछ रहा है मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताओ, टॉपिक में तो आने दे, मैथ पढ़ा रहा हूँ साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है, आए बाएं कुछ भी कर रहा है, तब मेरे को क्या करना चाहिए? प्राचार्य से इसकी शिकायत करूं, एक तरीका, उसे डांट डुटार दूं, उससे बातचीत करूं, उसे माता पिता से शिकायत करें, क्या करना चाहिए मेरे को? पहले उस बच्चे से बातचीत करना चाहिए, कहा बर इसने करता बेटा, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तब पूछ लेना। तो ये नैतिकता वाले आंसर हैं, ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके आप भी सेलेक्ट नहीं होगे, याद रखना। चलिए, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, क्यों? उनकी पूर्ण अवधारणा है मेरे से बनेगा ही नहीं, लैंगिक पूर्व अवधारणा, पहले से जिसके लिए अवधारणा बना लेते हैं उसको बोलते हैं पूर्व अवधारणा। जैसे मैं बोला कल मेरे जगह एक हीरोइन है, वो टीचर भी है, क्लास लेगी, अब तुम लोग पूर्ण अवधारणा बना लिए, भयानक सुंदर होगी,
ऐसा पर्सनालिटी वैसा, आई एकदम करिया हीरोइन है, लेकिन लेकिन आपके लिए पहले से मन में क्या धारणा बना लिया, भयानक होगी, अरे मजा आ जाएगा, क्लास में भयंकर बढ़िया पढ़ाती होगी, लोल टाइप का पढ़ाई टीचर है, लेकिन क्या है वो, हीरोइन है। ये जो पहले से आपने अपने मन में वो टीचर के लिए जो बना लिया, यही चीज क्या कहलाता है, पूर्व अवधारणा। और यही चीज तुम लोग मैथ्स का क्वेश्चन देख के महिलाएं बना लेती है, पूर्व अवधारणा, मेरे से तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन भी बोल रहा, मैं नहीं लाया हूं क्वेश्चन। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, इसका कारण है लैंगिक पूर्व आग्रह, वो पूर्वाग्रह से क्या है, ग्रसित है कि मैं लड़की हूं, मेरे से तो बनेगा नहीं, बात खत्म। ठीक है, पूर्व आग्रह, शादी के बाद जीवन अच्छा होगा, ये भी क्या है, ऐसा ग्रसित होते हैं लोग, पूर्व आग्रह, शादी के बाद जीवन अच्छा है, लोल। चलिए आगे आइए, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में कोई रुचि नहीं ले रहे, तुम लोग के टाइप के लोग हैं, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए, कोई ध्यान, देखो कोई ध्यान नहीं देगा और पढ़ाना जारी रखेंगे, का करना है मोल, पढ़ाना मोर काम है, पढ़ाना बंद कर देंगे, ये भी नहीं कर सकते, बच्चों का को ध्यान देने को कहेंगे, ठीक है ध्यान दो रहे, या कारण जानने का कोशिश करेंगे, कारण जानने का कोशिश करेंगे। ओके, कक्षा कक्षा का वातावरण होना चाहिए, ठीक है, अरे भैया ये कक्षा है, उसके बाजू में और कक्षा है, उसके बाजू में और कक्षा है, कक्षा कक्षा का वातावरण होना चाहिए, शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण। हमेशा याद रखना, कक्षा कक्षा का वातावरण होना चाहिए मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली नेचर के होने चाहिए सब। ओके, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, ये देखो थोड़ा देर पहले पूछा बोला बताया था मैं, स्मृति और समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ, समझ और अनुप्रयोग आधारित। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, वे अन्य बच्चों की अपेक्षाकृत ज्यादा होंगे, मतलब शुरू से ही घर में फ्रीडम दिया गया है, पढ़ने लिखने के लिए फ्रीडम दिया गया है, हर चीज में ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है उनको, ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले होंगे, बहुमुखी और अधिक क्रियाशील वाले होंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होंगे, कमजोर और कम क्रियाशील होंगे, बहुमुखी और अधिक क्रियाशील होंगे, बहुमुखी और अधिक क्रियाशील होंगे। तुम्हारे लड़ी का 5वीं 6वीं क्लास में जा रहा है स्कूल छोड़ने, स्कूल लाने, लोल बन जाएगा तेरे लड़ी का, 2 दिन भेजी साइकिल में, तीसरे दिन वो लड़ी का खुद जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तू जा रहा है आज भी 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अरे लोल, याद करो अपना जमाना, जावे पे पढ़ा जावे, यस जाओ अपना समय याद कर लो बस। तो आप बच्चे को लोल बना रहे हैं, तो आप अगर बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं, हाँ भाई तबीयत खराब है बिल्कुल लेके जा, बारिश हो रहा है बिल्कुल लेके जा, वो समझ सिचुएशन समझ में आता है। अब तू लई का ही डोहार रहा है बस, जीवन का एक ही लक्ष्य है क्या, लई का डोहारना, बस सुबह शाम स्कूल जा रहा है, लई का तेरे कुछ नहीं देगा रे, कुछ नहीं देगा, हाँ साफ बता रहा हूँ, कोई कितना भी डोहार ले लई का, मेरा लई का, वो लई का लात मार के बाहर ही करेगा आज के जमाने में, बात समझ में आया, खुद बनिए ज्यादा अच्छा है, डिपेंड ना रहे, इतना रखना है कि लई का जानबूझ के इज्जत करे, समझ में आया, लईका को देने से लईका इज्जत नहीं करेगा, अपने पास रख के लईका को थोड़ा थोड़ा देने में इज्जत कर देगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेचर और नेचर का अर्थ क्या होता है, आंतरिक और बाह्य वातावरण, चरित्र और मिजाज, इसको बोलते हैं नेचर एंड नेचर, नेचर एंड चरित्र और मिजाज को बोला जाता है नेचर और नेचर। ठीक है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर कौन किया, मैकडूगल, चूहे पर कौन सा वंशानुक्रम, कौन सा चूहा का कौन सा ब्रीड है और चूहा का दिमाग कितना है, इस पर शोध करने वाला कौन था, मैकडूगल। ठीक है, मेंडल वेंडल मत मार देना, मेंडल का परमाणुवाद सिद्धांत ये सब नहीं आना है ना इधर, मैकडूगल, नाम क्या उसका, मैकडूगल।
बच्चों द्वारा कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, मातृभाषा का प्रयोग करना क्या है? अवरोध है, संसाधन है, अपवाद है, निषिद्ध है? संसाधन है। देखो एनईपी 2000 के अनुसार बच्चों पर मातृभाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? एक प्रकार का क्या है बेटा? संसाधन है। क्या है? तो संसाधन है। चलिए, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? शारीरिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है या सांस्कृतिक है? अभिप्रेरणा, ठीक है। अब देखते हैं इस टाइप का आंसर क्या आता है 14 का, मेरे को भी क्लियर नहीं है, मनोवैज्ञानिक आना चाहिए, फिर भी 14 का सी, ठीक है, 14 का सी मनोवैज्ञानिक, 14 का सी। अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? मनोवैज्ञानिक। आपकी शाला में एक शिक्षक छात्रों को शोषित करता है, शिक्षक किनको शोषित कर रहा है? छात्रों को, तो आप क्या करेंगे? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी है। अब आपको, अब आपका प्रोफेशन क्या है? टीचर है, तो इसकी शिकायत आपको प्रिंसिपल से करनी पड़ेगी। अगर इसी के जगह एक शिक्षक छात्रों को क्या कर रहा है? शोषित कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मामले की रिपोर्ट प्रिंसिपल को कर देंगे, शिक्षक को कहेंगे कृपया ऐसी हरकत बंद कर दें, शिक्षक को विरुद्ध सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे। ये आपको रियलिटी पे आना है, है ना? कोई शोषित कर रहा है, अगर किसी बच्चे पर जुल्म कर रहा है, किसी को गंदा मतलब किसी को बहुत ज़्यादा वो हार्ड क्या दे दे रहा है, होमवर्क दे दे रहा है, किसी को पनिशमेंट कर रहा है, तो तब आप क्या बोलेंगे बेटा? कि उसको समझाएगा, लेकिन क्या कर रहा है? उनका शोषण कर रहा है, ठीक है, ये उसके मूल अधिकार का हनन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण कर रहा है मतलब बता रहा हूं आपको, वो लड़का स्कूल जाना चाह रहा है लेकिन उसको भेज दिया तू बैंक, कहां भेज दिया उसको? बैंक, जा मोर पैसा पटाका भी चल रहा है यहां सबका क्लास, ये हुआ शोषण। मोर घर पर जा बजा ले साग ला भेजा, ये हुआ क्या? शोषण। खाली समय घूम रहे बात अलग है, अपने गुरु के लिए इतना कर देगा कोई बहुत बढ़िया बात है। कोई एक्स स्टूडेंट है, अभी मैं उसको कोई काम बोलूंगा तो ये उसको यहाँ बैठे रहेगा, उसको थोड़ी बोलूंगा जा बैंक जा। उसको क्या बोल सकता हूँ मैं ज़्यादा ज़्यादा? ये भाई ये दे थोड़ा सा, मैं क्लास ले रहा हूँ, ये वहाँ से आ जा, ये दो मिनट का काम समझ में आता है। अब वो बेचारे को मैं कहाँ लाइन में लगा दूँ बैंक में, ढाई घंटा लाइन लगाए, ढाई घंटा क्लास चला, क्लास खत्म। ये चीज़ मैं अपने एम्प्लॉय को कर सकता हूँ, किसी किसको नहीं कर सकता मैं? शिक्षक अपने किसको नहीं कर सकता? छात्रों को नहीं कर सकता, ठीक है। आगे ये नैतिक वाले उत्तर हैं, आपको बनाने पड़ेंगे प्रश्नों को। 6 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों, हाँ ये देखो, 6 से 9 साल के आयु के बच्चों में पढ़ने और सीखने की गहरी इच्छा होती है, याद रखना है। पढ़ने और सीखने की गहरी इच्छा कौन से बच्चों में होगी? 6 से 9 साल के, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी अपूर्ण है, उनकी मांसपेशियां उतनी परिपक्व नहीं है। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहला बात बोलता है उसे पढ़ने का अभ्यास कराना, दूसरा उन्हें अधिक से अधिक लिखित कार्य दिया जाना, तीसरा लिखावट पर अधिक ध्यान दिया जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत जवाब, उसको जितना ज्यादा हो क्या काम दो? अभी राइटिंग फाइटिंग पे ध्यान ना दो, पहली क्लास में है लड़का, कौन से क्लास में है? 6 से 9 वर्ष का बच्चा, 6वीं से 9वीं का लड़का नहीं है ये, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच, पहली से तीसरी के बीच में उस बच्चे को जितना ज्यादा, अभी उसका मांसपेशियां उतनी हड्डियां वुड़ियां पूरी जुड़ी नहीं है, मांसपेशियां उतना नहीं, तो आप उसको जितना लिखने का देंगे उसको, उसकी मांसपेशियां उतनी क्या होगी? मजबूत होगी, ठीक है। चलिए, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित होमवर्क देता है, कठोर अनुशासन पर रखता है, छात्रों के प्रति सजग रहता है। बताओ कौन सा सही है? छात्रों के प्रति क्या रहता है? ओके, एक अध्यापक के रूप में आप अपना साम नहीं काम है ये, अच्छा सॉरी शाम ही है, इवनिंग का टाइम किस कार्य में लगाना चाहते हो? राजनीति की चर्चा में, भूपेश बघेल क्या कर रहा है, विष्णुदेव साय क्या कर रहा है, रमन सिंह क्या कर रहा है,
दूसरा मनोरंजन का चल भगा मोला का करना वीडियो गेम खेलथन। तीसरा धन प्राप्ति के कार्य चल ट्यूशन पढ़ा। चौथा सामाजिक कार्यों में क्या आंसर आएगा? सामाजिक। उत्तम अध्यापन फलन है अध्यापन व्यवसाय के प्रति ईमानदार और निष्ठा, विद्यालय में प्रचार्य का सशक्त नेतृत्व का, शिक्षकों की उच्च अकादमिक योग्यता का, शिक्षकों की उच्च स्तर की विद्वता का। उत्तम अध्यापन का फलन है अध्यापन व्यवसाय के प्रति ईमानदार और निष्ठा। जिस जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसके प्रति क्या रहिए आप ईमानदार और कैसे करिए उन निष्ठा का काम करिए। ठीक है, ये रहा 19 का ए। ठीक, ओके।